देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द 20th टर्म, मतलब 20th टर्म हमें पूछ रखा है ऑफ द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन है 1, 4, 7, 10। ओके, तो हमें 20 टर्म निकालनी है इसकी, 20th टर्म। तो जो हमारी ट्रिक है उसका फॉर्मूला कैसे होता है, ए प्लस माइनस डी, एन कितनी बार, इजिकल टू कितनी बार, जो गिवन एन है, मतलब इसको हम एन कहते हैं, ये एन है, एन से वन टाइम कम। अगर एन 20 है तो 19 टाइम्स हम इजिकल टू के बटन को दबाएंगे और जो कैलकुलेटर में आंसर शो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1, और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन, तो हमारी डी की वैल्यू आ जाती है। ए टू क्या है, 4 माइनस 1 कितना आया, 3। डी की वैल्यू क्या हो गई, 3। ठीक है, तो अब एक बार हम कैलकुलेटर पे, आप कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेटर पे टाइप करो 1, और डी किस में, प्लस में, तो प्लस का 3 इज इक्वल टू को कितनी टाइम्स टाइप करना है, 19 टाइम्स इज इक्वल टू टाइप करो और जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। हम भी अपने कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, मैं भी 1 प्लस 3 और कितनी टाइम्स है, 19 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 58। तो ये आ गया 58 आंसर। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है, तो लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज पूछ रखा है। जो लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज हमें 21 दे रखा है, 21 टर्म हमें लास्ट टर्म पूछा, मतलब ये लास्ट है और इसकी वैल्यू पूछ रखी है हमें, 21 टर्म पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये सीरीज स्टार्ट होती है ऐसे 5, 7, 9 हैंड सोन जाती है यहाँ तक। ओके, तो अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस माइनस डी इजिकल टू कितनी टाइम्स, एन माइनस वन। ए हमारे पास क्या है, 5। हमारे पास डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन करते हैं तो हमारा डी आ जाता है, तो 7 माइनस 5, ये हमारा ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है। ओके, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो अब अपना कैलकुलेटर निकालो आप और टाइप करो 5, उसमें फिर प्लस का 2, प्लस का बटन, फिर 2 और इजिकल टू कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, गिवन से एक कम, 20 टाइम्स। तो मैं आपको कैलकुलेटर पर करके दिखाता हूँ आंसर क्या आता है, 5 प्लस 2 इजिकल टू कितने टाइम, 20 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 45 आंसर आ गया इसका। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल सिमिलर ही है, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, एक बार खुद ट्राई करके देखना, लेकिन मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में भी यही है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी पूछ रखा है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी पूछ रखा है, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी और सीरीज दे रखी है हमें 0.6, 1.2, 1.8, हैंड्स ऑन 13 टर्म, मतलब 13 टर्म की वैल्यू, जो लास्ट टर्म 13 है हमारी, इसकी वैल्यू पूछ रखा है कि 13 टर्म की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अब इसको फिर से वही हम अपनी ट्रिक से करेंगे, ए प्लस माइनस डी। ए का मतलब ये ए वन होता है, ये ए टू होता है और ये ए थ्री होता है। ए प्लस माइनस डी मतलब अगर डी की वैल्यू प्लस है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस में आ रहा है आंसर उसका, तो प्लस का बटन दबाएंगे। अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू माइनस में आ रही है तो माइनस का बटन, फिर इज इक्वल टू और इज इक्वल टू कितने टाइम्स, गिवन से एक कम, एन माइनस वन, ये एन होता है और एन से एक कम, तो ए की वैल्यू क्या आई, 0.6 गिवन है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन करके, 1.2 माइनस 0.6 क्या आएगा, 0.6। ओके, और आप अपना कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर में टाइप करो 0.6, 1 की वैल्यू 0.6 और क्या आ रहा है, डी की वैल्यू प्लस 0.6 इज इक्वल टू कितने टाइम्स, गिवन कितना है, 13 से कम, 12। तो आप अपना आंसर निकालो, मैं भी अपना आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको, 0.6 प्लस 0.6 इज इक्वल टू कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्या है आंसर, 17, 7.8। तो इतना सिंपल है, आप इन सारे क्वेश्चनों को खुद से करो और इन फॉर्मूले को जरूर याद रखना, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एट द एंड ऑफ द पेपर में, जब आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तो
आप इसमें फॉर्मूले पुट करोगे, रिटर्न लिखोगे, एक शीट मिलती है ठीक है, आपके पेपर में एक शीट मिलेगी, उसके अंदर आप कितना सॉल्व कर लोगे, आप सीधा ऐसे कैलकुलेटर निकालो अपना, आपको अपना ट्रिक याद ही है, ए प्लस डी इज इक्वल टू दबाना है जितनी, ऐसे दबा के अपना आंसर निकाल सकते हो, इजीली आप आंसर निकाल सकते हो और उसके बाद बहुत अच्छे से अपना पेपर कर सकते हो। तो इसलिए इन सारी ट्रिक्स को फॉलो करो और नेक्स्ट वीडियो भी देखो।